हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज हम 2019 में रिलीज एक साउथ कोरियन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेड शूज एंड द सेवन ड्वार्फ्स। स्टोरी की शुरुआत फेरी टेल आइलैंड से होती है जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड है जहां प्रिंस प्रिंसेस और ड्रैगन्स एंड बाकी मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और आइलैंड की प्रोटेक्शन करते हैं सात लड़के जिन्हें फियरलेस सेवन या F7 कहा गया है। मर्लिन, आर्थर, जैक, हैंस और ट्रिपलेट्स पीनो, नोकी और कियो। आज भी ये एक ड्रैगन से लड़कर एक प्रिंसेस को फ्री करवा रहे थे, पर जब वो लोग प्रिंसेस का फेस देखते हैं तो उसका फेस ग्रीन कलर का था। वो लोग सोचते हैं कि प्रिंसेस तो खूबसूरत होती है, ये तो प्रिंसेस हो ही नहीं सकती, और उसे विच समझकर उस पर ही अटैक कर देते हैं। पर वो दरअसल एक फेरी प्रिंसेस थी जो कि उन्हें श्राप दे देती है कि जब भी कोई इंसान उनकी तरफ देखेगा तो वो भी ग्रीन कलर के बौने बन जाएंगे, और ये श्राप टूटेगा जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उन्हें किस करेगी। अब स्टोरी 7 साल आगे की है जहां हम रेजीना नाम की विच को देखते हैं जो कि एक पैलेस के एक मैजिकल ट्री के पास आती है और सनलाइट पड़ते ही ट्री पर लगे हुए एप्पल्स रेड शूज में बदल जाते हैं। रेजीना तुरंत ही वो रेड शूज लेकर पहन लेती है। शूज को पहनते ही मैजिक होता है जिससे रेजीना तुरंत ही यंग और ब्यूटीफुल हो जाती है, पर कुछ ही देर के बाद शूज भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं और रेजीना भी ओल्ड हो जाती है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब उसी पैलेस में रात में स्नो वाइट जो कि एक स्ट्रॉन्ग और काइंड हार्टेड लड़की है पर देखने में काफी हेल्दी है, वो वहाँ आती है। दरअसल वही वहाँ की प्रिंसेस है और उसके डैड किंग वाइट यहाँ के किंग थे। किंग वाइट अब मिसिंग है और स्नो वाइट उन्हीं को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके लिए वो किंग के रूम के अंदर कुछ ढूंढती है जहाँ उसे अपने डैड की डायरी मिलती है जिसे पढ़कर उनकी बैकग्राउंड स्टोरी का पता चलता है। स्नो वाइट जब 18 साल की थी तब रेजीना उसके कैसल में आई थी। किंग वाइट इतनी ब्यूटीफुल लेडी को देखकर उससे प्यार कर बैठे और शादी भी कर लेते हैं। रेजीना अपने साथ एक ट्री मिरर लेकर आई थी जो कि बहुत अजीब था, और धीरे धीरे मिरर ग्रो होता है और किंगडम से लोग गायब होने लगते हैं। किंग वाइट अब ये समझ चुके थे कि रेजीना एक विच है, सो वो स्नो वाइट को सेफ रखने के लिए उसे एक सेफ जगह पर भेज देते हैं। डायरी के लास्ट में किंग वाइट बोलते हैं कि F7 ही उसकी हेल्प कर सकता है और साथ ही एप्पल्स को कभी ट्रस्ट मत करना। डायरी पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है जहां सूरज की पहली किरण पड़ने पर कैसल के पेड़ पर एप्पल्स साइन करते हैं। तभी रेजीना उधर आ जाती है। डोर खोलते ही रेजीना वहां एक ब्यूटीफुल लड़की को खड़े देखती है जो कि स्नो वाइट है, पर उसका बॉडी एंड फेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। रेजीना जब उसे रेड शूज पहने हुए देखती है तो तुरंत ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर स्नो वाइट फ्लाइंग झाड़ू की मदद से वहां से भाग जाती है। रेजीना मैजिक ट्री मिरर के पास जाती है और पूछती है कि कौन सबसे खूबसूरत है, तो वहाँ स्नो वाइट की पिक्चर आती है। वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए अनाउंस करवा देती है। मिरर बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम F7 को देखते हैं जो कि अपने इस बॉडी फॉर्म और कलर से परेशान है और इसे कैसे चेंज करें यही सोचते रहते हैं। तभी उन्हें आसमान में कोई विच झाड़ू के साथ उड़ते हुए दिखती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो एक विच है, पर जब घर के अंदर वो स्नो वाइट की खूबसूरती को देखते हैं तो तुरंत ही उसके दीवाने हो जाते हैं। फिर सब लग जाते हैं अलग अलग पैतरे आजमाकर स्नो वाइट को इम्प्रेस करने में, क्योंकि इससे उनका श्राप जो टूटता। स्नो वाइट जब मिरर देखती है तो पहले तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाती, फिर वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये सब तो इस रेड शूज का मैजिक है। स्नो वाइट यहाँ अपना नाम झूठ बताती है कि उसका नाम रेड शूज है और वो F7 को ढूंढ रही है ताकि वो अपने मिसिंग डैड को ढूंढ सके। मर्लिन यहाँ बताता है कि वो लोग F7 नहीं है, नहीं तो फिर स्नो वाइट उनके इस रूप की वजह से उन्हें अच्छा नहीं समझेगी। मर्लिन स्नो वाइट की हेल्प करने का भी ऑफर देता है। अब सीन प्रिंस एवरेज के किंगडम पे शिफ्ट होता है जहाँ वो बहुत उदास है क्योंकि कोई भी ब्यूटीफुल प्रिंसेस उसकी बर्थडे पार्टी पर नहीं आ रही थी। तभी मिरर के बताने पर रेजीना वहां उससे मिलने जाती है और स्नो वाइट की पिक्चर दिखाती है। रेजीना उससे डील करती है कि तुम स्नो वाइट को यहां ले आओ, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें मिल जाएगी और मुझे मेरे रेड शूज। एवरेज तुरंत ही अपने किंगडम में स्नो वाइट के वॉन्टेड पोस्टर लगवाने लगता है। इधर स्नो वाइट अपने डैड को ढूंढने के लिए उनकी पिक्चर की पोस्टर बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसे फील्ड्स के अंधेरे में कुछ दिखता है।
वो तुरंत ही जंगल की तरफ चल देती है। मर्लिन और आर्थर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा वुडन बनी था जो कि स्नो व्हाइट की तरफ आने लगता है। मर्लिन स्नो व्हाइट को उसकी तरफ नहीं देखने के लिए बोलता है ताकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहकर बनी को हरा सके, पर स्नो व्हाइट देख लेती है जिससे कि वो तुरंत ही बौना बन जाता है। पर लास्टली आर्थर के फौज से वो लोग बनी को बेहोश करके अपने साथ ही ले आते हैं। सब अलग अलग प्लान बनाकर स्नो व्हाइट के डैड को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। स्नो व्हाइट और आर्थर एक सिटी में जाकर किंग व्हाइट की मिसिंग पोस्टर दिखाकर सबसे उनके बारे में पूछने लगते हैं, पर ये सिटी प्रिंस एवरेज की ही थी, सो स्नो व्हाइट के पोस्टर्स भी वहाँ लगे हुए थे और गार्ड्स भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। स्नो व्हाइट एंड टाइम पर अपने रेड शूज उतार कर अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है, जहाँ उसे वैसा देख कर गार्ड्स वापस चले जाते हैं। पर वहाँ कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जो स्नो व्हाइट को परेशान करने लगते हैं। स्नो व्हाइट जब मर्लिन और आर्थर से हेल्प मांगती है तो वो भी उसे इग्नोर कर देते हैं। स्नो व्हाइट खुद ही गार्ड से लड़ने लगती है, पर तभी मर्लिन वहाँ आ जाता है और मैजिक से गार्ड्स को खत्म कर देता है और साथ ही स्नो व्हाइट को उसका रेड शूज भी दे देता है। उसे लगता है कि उसने स्नो व्हाइट को कहीं तो देखा है। स्नो व्हाइट मर्लिन के जाने के बाद फिर से रेड शूज पहनकर बाहर आती है और फिर से गार्ड्स के पीछे पड़ जाने के कारण वो लोग बनी की सवारी करके वहां से भागते हैं। गार्ड्स को वहां स्नो व्हाइट के डैड का मिसिंग पोस्टर दिखता है जिससे उन्हें उनके घर का एड्रेस भी मिल गया था। एड्रेस को देखकर प्रिंस एवरेज F7 के घर तक पहुंच गया है और स्नो व्हाइट को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, नहीं तो वो सबको खत्म कर देगा। प्रिंस एवरेज बहुत पैतरे आजमाता है, पर F7 कोई ना कोई तरकीब निकाल कर स्नो व्हाइट को उसके साथ नहीं जाने देते। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि F7 का पूरा घर ही टूट जाता है। प्रिंस एवरेज गुस्से में वहां से फिर से वापस आने का बोल कर चल देता है। धीरे धीरे स्नो व्हाइट भी बौने F7 की बहादुरी से इम्प्रेस होने लगी है और मर्लिन को पसंद भी करने लगी है। मर्लिन और स्नो व्हाइट रात में बातें करते हैं, जिसमें जब स्नो व्हाइट पूछती है कि तुम्हारे लिए सुंदर और ब्यूटीफुल होना कितना जरूरी है, मर्लिन बताता है कि जिस दिन तुम मुझे मेरे रियल फॉर्म में देखोगी तुम खुद ही समझ जाओगी। मर्लिन स्नो व्हाइट को आंख बंद करके उसे इमेजिन करने के लिए बोलता है। तब स्नो व्हाइट बोलती है कि तुम जैसे हो मैं वैसे तुम्हें इमेजिन कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे ग्रीन कलर के होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब स्नो व्हाइट उसे बताती है कि रेड शूज मैजिकल है और उसे उतार कर मर्लिन को अपना रियल फॉर्म दिखाना चाहती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी रेड शूज उतर ही नहीं रहे थे। इधर रेजीना प्रिंस एवरेज की नाकामी पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें एप्पल खाने के लिए देती है। एप्पल खाते ही प्रिंस एवरेज और उसके गार्ड्स भयानक ट्री मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। स्नो व्हाइट और F7 मिलकर उनके घर को रिपेयर और पेंट करते हैं। मर्लिन किंग के मिसिंग पोस्टर्स की बहुत सारी कॉपीज बनाता है। अब फ्लाइंग झाड़ू और कॉपी मशीन से वो लोग काफी जल्दी बहुत सारी जगहों पर मिसिंग पोस्टर बांट देते हैं। मर्लिन भी स्नो व्हाइट को बहुत पसंद करता था, सो वो खुद को उसके साथ इमेजिन भी करता है। मिसिंग पोस्टर बांटने के बाद वो लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं, जिसमें स्नो व्हाइट और मर्लिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में बताते हैं और किस करते हैं। पर सैडली इस किस के बाद भी मर्लिन बौना और ग्रीन ही था, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया था। तभी वहाँ एवरेज और उसके गार्ड्स ट्री मॉन्स्टर बने हुए उन पर अटैक कर देते हैं। मर्लिन स्नो व्हाइट को उसकी तरफ बिना देखे हुए दूर जाने के लिए बोलता है और अपने मैजिक से एवरेज के गार्ड्स को भी हरा देता है और पत्थरों को तोड़कर एवरेज को भी समंदर में गिरा देता है। स्नो व्हाइट के देखते ही वो फिर से बौना बन जाता है, पर एवरेज उसे घींच कर समंदर में गिरा लेता है। स्नो व्हाइट उसे तुरंत बचाने जाती है जहां वो एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। स्नो व्हाइट कितनी भी कोशिश करे पर वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था, सो वो रेड शूज उतार कर अपनी पावर्स का यूज करती है और मर्लिन को बचा लेती है। ऊपर आने के बाद रेजीना के वुडन टेडी मंकी उसे देख लेते हैं और इधर मिरर ट्री भी ये बात रेजीना को बता देता है। रेजीना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि स्नो व्हाइट ने ही उसके रेड शूज चुराए हैं। रेजीना खुद ही स्नो व्हाइट से रेड शूज लेने का डिसाइड करती है। स्नो व्हाइट अपने असली फॉर्म में आकर मर्लिन को सब कुछ सच सच बता देती है। मर्लिन इन सब से बहुत शॉक था।
स्नो व्हाइट के सो जाने के बाद वो लकड़ियाँ लाने जंगल में चला जाता है। लकड़ियाँ चुनते वक्त वो अपने आप से बातें करता है और ये भी रियलाइज करता है कि स्नो व्हाइट उसके इस रियल फॉर्म को नहीं बल्कि उसके बौने फॉर्म को ही पसंद करती है और स्नो व्हाइट ने हमेशा उसकी अंदरूनी खूबसूरती को ही देखा है, ना कि बाहरी को। साथ ही वो स्नो व्हाइट के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स भी याद करता है। स्नो व्हाइट भी इधर रेड शूज पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे मर्लिन दिखता है जो कि उसे एक रेड एप्पल खाने के लिए देता है। स्नो व्हाइट एप्पल खाने ही वाली थी कि वहाँ बनी के साथ असली मर्लिन आ जाता है। तब पता चलता है कि पहले वाला मर्लिन दरअसल रेजीना है और वो स्नो व्हाइट को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। मर्लिन तुरंत ही उनके पीछे किंगडम की तरफ चल देता है और साथ ही बनी को सबको इन्फॉर्म करके पैलेस आने के लिए बोलता है। बनीज F7 को इन्फॉर्म कर देते हैं और सब तैयारी करके पैलेस की तरफ चल देते हैं। पैलेस में रेजीना स्नो व्हाइट को एप्पल खाने के लिए देती है और अगर वो एप्पल नहीं खाएगी तो वो मर्लिन को खत्म कर देगी। मर्लिन को बचाने के लिए स्नो व्हाइट एप्पल खा लेती है और तुरंत ही एक एप्पल ट्री में बदलने लग जाती है। मिरर मर्लिन को बताता है कि आज से 3 दिन के सूरज की रोशनी पड़ने के बाद स्नो व्हाइट बने हुए पेड़ के एप्पल्स रेड शूज में बदल जाएंगे और वो भी मारी जाएगी। मर्लिन के लिए मिरर ट्री से छूट पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी बनी और F7 की टीम वहां आ जाती है और मर्लिन को छुड़ा कर मिरर को भी तोड़ देती है। मर्लिन तुरंत ही रेजीना पर अटैक करने जाता है और अपने बहुत सारे मैजिक कार्ड से रेजीना के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें रेजीना मारी जाती है और मर्लिन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। रेजीना के मरते ही उसके स्पेल टूट जाती है जिससे किंगडम फिर से रोशन हो जाता है और वो वुडन बनी दरअसल किंग व्हाइट थे, स्नो व्हाइट के डैड। छोटे वुडन टेडी भी ह्यूमन किड्स थे। स्नो व्हाइट बाहर आती है और अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है पर मर्लिन का पता चलने पर बहुत दुखी होती है और रोती है। ट्रिपलेट्स F7 अपनी मशीन की मदद से मर्लिन को ऊपर ले आते हैं। मर्लिन बोलता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। स्नो व्हाइट मर्लिन को किस करती है जिसके बाद वो अपने रियल प्रिंस फॉर्म में आ जाता है और जिंदा भी हो जाता है। मर्लिन अपने पहले के बिहेवियर के लिए स्नो व्हाइट से माफी मांगता है। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि बाकी F7 के मेंबर्स भी अजीब से दिखने वाली लड़कियों के साथ हैं और बाहरी खूबसूरती के बजाय अब वो लोगों की अंदरूनी खूबसूरती को देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन सब्सक्राइब एंड टैग ऑन फॉर मोर रिसर्च। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।